हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई एम सोनिया जसवाल, पीजीटी मैथमेटिक्स। तो आज है हमारा डे 6, राइट? तो आज हम करेंगे नए क्वेश्चंस नए जोश के साथ। ओके, तो सभी रेडी हैं? यस। और जितने भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे, क्या आप सभी ने उनको किया? चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक। क्लियर? अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है और कोई भी बच्चा आरआईएमसी, आरएमएस, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, यूपी सैनिक स्कूल टेस्ट एंड नवोदया एंट्रेंस के लिए प्रेपरेशन करना चाह रहा है और वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहा है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो करें आज का नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट। सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज अ टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। यू नो अबाउट इट, व्हाट इज अ टेंजेंट? व्हाट इज अ टेंजेंट? हाँ जी, किसको पता है टेंजेंट क्या होता है? व्हाट इज अ टेंजेंट? टेंजेंट क्या है बेटा? अगर आपका ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल में अगर मैं कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये उसका टेंजेंट होगा? नो, ये तो सर्कल ऊपर रह गया, नीचे रह गया और टेंजेंट लाइन तो नीचे रह गई। नो, इट इज नॉट अ टेंजेंट। ये क्या है? ये सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करता है, दैट इज कॉल्ड सीकेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? सीकेंट। क्लियर? लेकिन अगर कोई सर्कल के एक लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, एक पॉइंट पे कट करे, उस लाइन को आप बोलेंगे टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। दैट इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। और ये जो पॉइंट है, इसको आप बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया और वो है आपका टेंजेंट। एनी डाउट? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड टेंजेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? अब सीकेंट क्या होता है? जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है, और टेंजेंट है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, और उस पॉइंट को आप बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब एक इसकी प्रॉपर्टी है, आपको तो प्रॉपर्टी लर्न करनी है ना, प्रूफ तो नहीं। अब जैसे टेंजेंट है, अगर रेडियस से जो लाइन ड्रॉ होती है और टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे आके मीट करती है, रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे कितने का एंगल बनाता है? 90 डिग्री। This is the property. Radius, angle between radius and tangents is right angle, right? Same as second property is, अगर एक circle है और एक external point है, अगर external point से हम tangents draw करते हैं, two tangents draw किए मैंने, एक ये कर दिया, एक ओहो, एक एक मिनट, मैंने क्या किया, टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, राइट? अब ये कर दिया और एक ये कर दिया। अब ये क्या है? टेंजेंट्स हैं, सर्कल को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, राइट? तो पी ए इज, पी ए और पी बी टू टेंजेंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इन इक्वल लेंथ, तो इट मींस पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। क्या होगा? पी ए इज इक्वल टू पी बी। Tangents from an external points are in equal length. Is it clear everyone? Any doubt? Okay. तो आपको ये वाली सारी properties आपको mind में रखनी है. Okay जी, चलिए करते हैं next question के साथ शुरुआत. If radii of two concentric circle, you know that what is a concentric circle? They have a same center. Two circles they have same center is called concentric circle. ओके, सो गिवन
टू सर्कल विद रेडियस 4 and 5 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कोड आपको फाइंड आउट करनी है वन सर्कल विच इज अ टेंजेंट ऑफ द अदर, मतलब आपको ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब आपको दिख रहा है ए ओ सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम 5 square इज इक्वल टू 4 square प्लस ए सी स्क्वेयर, देन वी विल गेट ए सी. 25 minus 16, 9 हो गया, 9 हो गया 3 का, तो 3 ये हो गया और 3 BC, तो कितना आ गया आपका AB is equals to 6 centimeter, तो AB कितना आ गया 6 centimeter, is it clear बेटा? Now, next one, AOB is equals to 125 degree, then find COD, तो बेटा याद रखना है कि इसकी ना आपने डायरेक्ट, वैसे तो इसका रूल है कि कैसे आता है, वैसे इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कि अगर एक सर्कल के बाहर एक क्या है सर्कमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के जो एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर पे एंगल बनते हैं ऐसे, तो ये जो ओपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम क्या होता है 180 डिग्री, तो इट मींस सीओडी एंड 125 दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो 180 माइनस 125 देन वी विल गेट 55, राइट. तो इसको आपने याद रखना है, इट इज अ प्रॉपर्टी कि एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर पे जो एंगल बनते हैं सो सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर या ऑपोजिट एंगल्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स एट अ सेंटर इज सप्लीमेंट्री, इनका सम 180 होता है, तो अगर एक एंगल 125 है तो इट मीन सेकेंड एंगल इज 55. Is it clear everyone? चलिए next question. In a given figure, AB is a chord of a circle and AOC is its diameter. AOC is a diameter such that ACB is 50 degree. Angle ACB is 50 degree. तो आपको ये angle दे रखा है 50. ये angle हो गया 50 degree. तो अगर ये 50 है तो उसने सिर्फ ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री, एंड 80 इज द टेंजेंट, 80 क्या है इसका टेंजेंट है, तो फाइंड एंगल BAT, तो आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है BAT. अब देखो ये एंगल 50 है, आपको ये पता होना चाहिए एंगल मेक्स इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि एंगल मेक्स इन अ सेमी सर्कल बिकॉज AC इज अ डायमीटर, तो एंगल ABC इज 90 डिग्री, एंगल मेक्स इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो ये 90 हो गया, 90 प्लस 50 140, तो इट मींस ये एंगल 40 होगा. अब ये पूरा एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट, तो ये जो बचा एंगल BAT ये इतना, अगर अंदर वाला 40 है तो ये कितना होगा 50 डिग्री, इज इट क्लियर. सो एंगल BAT इज इक्वल टू 50 डिग्री, ओके ओके स्टूडेंट्स. चलिए नाउ नेक्स्ट वन, बेटा बहुत इजी है क्वेश्चंस, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा. फ्रॉम अ पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ एंड वेट यस. अब देखिए आपको दे रखा है फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंस, फर्स्ट आपको स्टेटमेंट रीड करनी है और वहां से आपको मेन आपका जो क्वेश्चन है उसको आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए क्या है. आपको देखो क्वेश्चन पढ़िए पहले, तो इसमें उसने क्या दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब जो आपका पॉइंट पी है वो सेंटर से कितना दूर है, सेंटर से 13 सेंटीमीटर की दूरी पे है, राइट. फिर उसके बाद उसने बोला है रेडियस इज 5, रेडियस भी 5 बना सकते हो आप इजीली. ये मैंने बनाया सर्कल, ये मैंने बनाया पी पॉइंट, ये हो गया सेंटर से इसका डिस्टेंस, ये हो गया रेडियस, सेंटर से इसका डिस्टेंस ये है 13, राइट. ये पी पॉइंट है, सेंटर इज अ ओ, और इसको ले लो पी क्यू, एंड एक और बना दो टेंजेंट दैट इज पी आर. तो उसने बोला क्या है, पी क्यू ओ आर देन द एरिया, क्या फाइंड आउट करना है आपको,
एरिया फाइंड करना है। ठीक है जी, देखो ये 13 है, रेडियस दे रखा है 5, दे रखा है 5, तो आपको पता है यहाँ पे क्या बनती है, 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज है। 13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू आपका आ जाएगा 12 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये तो आप कर ही सकते हो क्योंकि पी ओ क्यू राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको हाइपोटेन्यूज और ये पता था, आपने पी क्यू निकाल दिया, दैट इज 12। अगर ये 12 है तो इट मींस ये भी 12 है, तो ट्राइंगल तो सेम ही हुई, जितनी ऊपर वाली उतनी नीचे। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 12 ले लिया, हाइट 5 ले ली, 30 आ गया इसका, ये 30 तो आ गया एक ट्राइंगल का, लेकिन हमारी कितनी है, टू ट्राइंगल, तो इसका भी 30, इसका भी टोटल कितना हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसकी भी देखो, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे है बेटा कि उसकी फिगर्स आपको अच्छे से प्लॉट करनी आनी चाहिए, अगर फिगर नहीं आई तो क्वेश्चंस तो हो नहीं सकते। अब इसमें क्या दे रखा है, एट वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ पी क्यू, पी क्यू एक डायमीटर, पहले आपने एक सर्कल बनाया और पी क्यू एक डायमीटर बना दिया, ठीक है, पी क्यू इज अ डायमीटर एंड रेडियस है 5, टेंजेंट एक्स पी वाई इज ड्रॉन, एक्स वी पाई इज ड्रॉन, टेंजेंट एक्स, देखो पी क्यू इज डायमीटर तो इट मीन्स ये पी है, ये क्यू है, और ये हो गया एक्स पी वाई टेंजेंट, ये हो गया इसका टेंजेंट, राइट। तो अब उसने क्या बोला, द लेंथ ऑफ कोड ए बी, यहां पे एक कोड है ए बी, ए बी विच इज पैरेलल टू एक्स वाई, एक्स वाई के क्या है, वो पैरेलल है, राइट। फिर उसने बोला एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, जो कितनी दूर है पी से 8 सेंटीमीटर, ये सेंटर बना लो, आर क्या बना लो इसका, सेंटर, ये मैंने बना दिया आर सेंटर, तो ये 8 है, पी क्यू 8 है, पी क्यू 8 है और इसका रेडियस दे रखा है 5, तो मतलब ये रेडियस हो गया 5, तो इट मीन्स जो आपकी ओ आर है, ठीक है, इसको ओ लो सेंटर को, और ये हो गया आर, तो ओ आर जो है दैट इज 3, ये 3 आ गई। अब उसने पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ कोड ए बी, ए बी की कोड की लेंथ पूछी आपसे, ठीक है जी। अब रेडियस आपको पता है 5 है, तो इट मींस ये भी तो रेडियस हुआ 5, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो आप बेस निकाल दो पाइथागोरस थ्योरम से, तो बेस कितना आ जाएगा इसका 4, अगर ये 4 है तो इट मींस ये भी 4 होगा, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, सो 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, राइट जी। चलिए नाउ नेक्स्ट वन, इन अ गिवन फिगर AT इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट, ये देखिए AT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O, ये सेंटर O है, OT आपको दे रखा है OT 4 सेंटीमीटर और ये एंगल दे रखा है 30, फाइंड AT, फाइंड क्या करना है आपको AT, तो बेटा ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या हो गया इसका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और फाइंड करना है ये, अगर एंगल ये है तो दैट इज अ बेस, तो कोस थीटा, तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री लगती है ना, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्या करोगे कोस 30 को, यस बोलिए, कोस 30 को क्या करोगे, कोस 30 इज इक्वल टू 80 अपॉन, 80 अपॉन व्हाट, 80 अपॉन 4, दैट इज OT, OT क्या है आपका 4, तो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है root 3/2 is equal to 80 upon 4, 4 cross multiply हो जाएगा तो 80 की वैल्यू आ जाएगी 2√3, ओके जी, तो 80 आ गया आपका 2√3, एनी डाउट। चलिए नाउ नेक्स्ट वन, इफ PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ, हाँ जी, अब ये आपको क्या दे रखे है, पी एंड पी बी टेंजेंट्स, देखो यहां पे कुछ नहीं है, जस्ट आपको एक छोटी सी फिगर बनानी आनी चाहिए,
अब देखिए, ये मैंने पी ए एंड पी बी टेंजेंट्स बना दिए। उसके बाद ये ओ बना दिया, ठीक है। तो ये आ गया एंगल 50 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री। तो अब उसने पूछा है फाइंड ओ ए बी, आपको ये एंगल फाइंड करना है। अच्छा, ये 50 डिग्री है, तो पहले ट्राइंगल पी ए बी लो। कौन सी ट्राइंगल? पी ए बी। अगर ये 50 है तो पी ए इज इक्वल्स टू पी बी है, राइट। अगर ये 50 है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इट मींस ये भी 65 आ गया, ये भी 65 आ गया। लेकिन आपको पता है रेडियस और टेंजेंट कितना बनाते हैं, 90 डिग्री। अगर ये 65 है तो ये जो एंगल बचा ये कितना होगा, दैट इज 25। तभी तो आपका आएगा टोटल 90। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब आपको क्या है, आपको फिगर बनानी आनी चाहिए। अगर आपको फिगर बनानी आती है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट वन, द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको जो चीज दे रखी है वो आपके सामने है। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, आपको पता है कि जब मैं इस लाइन को इससे ज्वाइन कर दूंगी तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 ये हो जाएगा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये जो लाइन है टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना देती है बाय आरएचएस। अच्छा, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। अब आपको क्या है, आपको निकालना क्या है, बेस, ठीक है जी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, बेस। तो बेस अपॉन क्या करोगे फिर आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री, राइट। तो टेन 30 कितना होता है, टेन 30 वन बाय रूट थ्री होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, एंगल के ऑपोजिट 3, और बेस कितना है, पीए। तो पीए चला जाएगा उधर, पीए इज इक्वल टू 3√3। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 3√3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए नाउ नेक्स्ट वन, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन। यस, अब आप बताइए जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करता है, टेंजेंट ओनली वन पॉइंट। तो क्या आएगा, वन इज द राइट आंसर। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट। इज इट क्लियर? तो वो आ गया आपका सीकेंट। नाउ नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट्स बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट। अब जैसे ये सर्कल है, सर्कल के टेंजेंट्स तो मैं कितने बना लूं, लेकिन वो पैरेलल की बात कर रहा है, एक इधर एक इधर, यही पैरेलल बन सकते हैं। इधर टेंजेंट बन सकते हैं लेकिन ये इसके इन दोनों के पैरेलल थोड़ी होंगे, ये आपस में पैरेलल होंगे इधर इधर। मतलब जो पैरेलल टेंजेंट है वो तो दो ही बन सकते हैं, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये वाला जो है वो इसके पैरेलल है। तो मतलब मैक्सिमम जो पैरेलल टेंजेंट्स बनेंगे वो कितने होंगे, टू पैरेलल टेंजेंट्स। सेम एज द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड डैश इज कॉल्ड। टेंजेंट कॉमन पॉइंट, टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियस। कॉमन पॉइंट किसका, सर्कल का, और रेडियस का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ नेक्स्ट, अ टेंजेंट पी क्यू, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। यस, ये सेम क्वेश्चन आ गया आपका वैसा ही, कि सर्कल बनाइए, लेंथ ऑफ पी क्यू पूछा है उसने, सेंटर क्या है, ओ। ये आपको दे रखा है 5, ये कितना दे दिया आपको, 5, राइट। और ये आपको दे रखा है, ये ओ है, ये क्यू है,
टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, पी पे कट सर्कल को टच कर रहा है पी क्यू, तो ओ क्यू कितना हो गया 12। तो आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ पी क्यू, तो आपको पता है यहाँ पे क्या बना 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज हो गया 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, तो 144 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपका 119 का अंडर रूट, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपको आ रखा है प्रीवियस ईयर में, इसको ना वैसे आपने डायरेक्टली माइंड में, क्योंकि इतना बड़ा आप सॉल्व नहीं करोगे, तो आपने डायरेक्ट याद करना है कि जैसे टेंजेंट से जो ट्राइंगल बनती है ना, ये वाली ट्राइंगल, तो लेंथ ऑफ एपी जो है वो क्या होगा, एपी, एपी क्या है टेंजेंट है इसका, एपी और एक्यू, तो जो एपी होता है एपी इज इक्वल्स टू होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड क्या वैसे बना तो प्रूव तो है लेकिन आपने इसको याद रखना है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मतलब जैसे ये देखो बाहर ट्राइंगल बन रही है कि नहीं, ए बी सी ट्राइंगल बन रही है और ए पी टेंजेंट है, तो जो टेंजेंट की लेंथ होगी वो इस ट्राइंगल के पेरीमीटर का हाफ होगी। अब देखो ए बी कितना दे रखा है 5, ए सी कितना दे रखा है 6, बी सी कितना दे रखा है 4, तो 15/2, ए पी क्या आ जाएगा फिर 1/2 इंटू पेरीमीटर, तो ऐड करके 15 आ गया, तो 7.5, 7.5 सेंटीमीटर, मतलब अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होगा तो क्वेश्चन इजी, नहीं तो करते रहना फिर सॉल्व, फिर तो वही लेंथ ही हो जाता है ना, कि एक एक्सटर्नल टेंजेंट्स वाली आपको प्रॉपर्टी बार बार अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो उस चीज का ध्यान रखिए, जितना आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं, तो याद रखना कि जैसे भी टेंजेंट्स की आपको लेंथ पूछी है और ट्राइंगल दे रखी है, तो आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ नेक्स्ट वन, ये भी आपका लास्ट ईयर पेपर में आ रखा है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल देन। अब देखो यहां पे क्या है, ये एक सर्कल है, ये ऐसे ए बी सी डी ये आपको दे दी, ठीक है, तो ये हो गए इसके टेंजेंट, तो ना ये भी एक रूल है, ये भी आपने याद रखनी कि सर्कल, अगर सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनी है, तो उसकी जो ओपोजिट साइड्स होती है ना क्वाड्रिलेटरल की, उनका सम दूसरी ओपोजिट साइड के इक्वल होता है, मतलब ए बी प्लस सी डी आपने कर रखा है, ये 10th में क्वेश्चन है आपको, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लगाई, तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, दैट इज ऑप्शन बी। अगर आपने लर्न कर लिया तो आपको क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, अदरवाइज आप इसको प्रूव कैसे करोगे, जैसे ये करते हैं, ए इज अ एक्सटर्नल पॉइंट, सो ए पी इज इक्वल्स टू ए एस, बी इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, सेम एज सी, सी इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, एंड डी इज एक्सटर्नल पॉइंट, सो डी आर इज इक्वल टू डी एस, तो आप उसको ऐसे एक्सटर्नल पॉइंट फिर उसको एडिंग करोगे, एडिंग करके आपका आ जाता है, ठीक है, ये आपने कर भी रखा है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फिगर दे रखा है, उसने बोला है फाइंड एंगल, आपको फिगर मतलब इसमें बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी गिवन है, तो ये एंगल आपको 70 दे रखा है, उसने पूछा ए क्यू बी, आपको क्या फाइंड करना है ए क्यू बी, तो देखो ये क्या है, ओ क्यू रेडियस, ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 है तो ये 70 है, ये कितना होगा 20 डिग्री, अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20 डिग्री, राइट, तो 20 प्लस 20 क्या हो गया 40 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 40, समझ गए कैसे, पहले आपने क्या किया, आपको पता है रेडियस और टेंजेंट क्या बनाते हैं 90 डिग्री, तो ये 70 है तो ये अंदर वाला हो गया 20, जितना ये होगा उतना ही ये, तो टोटल एंगल जो आपका ए क्यू बी है दैट इज 40 डिग्री, इज इट क्लियर एवरीवन, एनी डाउट, ठीक है, तो टेंजेंट्स में सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, एंगल मेक्स इन अ, ये तो नाइन्थ की प्रॉपर्टी है, एंगल मेक्स इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है, लेकिन
टेंथ की जो दो प्रॉपर्टीज है वो है टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इन इक्वल लेंथ एंड एंगल मेक्स विद टेंजेंट एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ओके चलिए ये आपने रिवाइज करना है अच्छे से। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल। सो सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके।